स्टेज पर उपस्थित बोल रही है सर, मेरी ट्रेनिंग के सर सब सर और मैडम और ट्रेनिंग के सब ट्रेन आप सबको हमारे ग्रुप की ओर से, हमारा ग्रुप का नाम है ग्रेजुएट बस, हमारे ग्रुप की ओर से सबको गुड आफ्टरनून और नमस्ते। आज हम सुबह गए थे ऊपर वही गांव में, ऊपर वही गांव में गए थे हम एग्रो इको सिस्टम एनालिसिस करने के लिए पिजन पी क्रॉप के लिए। तो उस गांव में हम गए थे यशवंत भाव के खेत में, वो खेत में जाने के बाद वो खेत में हमने डब्ल्यू शेप यानी कि जो पिजन पी का खेत था उसमें डब्ल्यू शेप के बेस पर हमने पांच स्पॉट पिक्स किए। वो पांच स्पॉट में हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग किया पेस्ट और डिफेंडर के ऑब्जर्वेशन से। तो हमने उसमें पेस्ट पाई, पूर्व की वॉर्ड मॉथ पाया वन और लिप होल्डर पाया सिक्स और सेमी रिपोर पाया टू और एच विविल देखा एक और जैसिड टू थे और एपिड सिक्स थे। ये थे हमारे पेस्ट वो टूर के और डिफेंडर मिले उनमें ड्रैगन फ्लाई वन, लेडीबर्ड बीटल सिक्स, स्पाइडर फोर और ट्राइसफर टू और एंट मिले दो। ऐसे टोटल डिफेंडर मिले हमको 15 और बेस्ट मिले हमको 18। तो वो उसके बाद ये जो चार्ट बनाया ना हमने वो पांच की एवरेज बना के ये चार्ट हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको वो पाँच ही ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज मिली क्रॉप की उसकी कैनोपी थी 197 सेंटीमीटर और जो हाइट थी वो 175 सेंटीमीटर और उसमें हमको एक डिफेंडर मिला जो पाची क्रॉप में सिर्फ एक ही जगह हमको एक प्लान पे डिफेंडर मिला लिप स्पॉट का। तो वो डिसीज मिला वो एक था और उसमें और उसका जो रेशियो निकालेंगे हम वो बेस्ट और डिफेंडर का वो जो रेशियो निकला हमको 1.2 ऑफ 1 यानी कि हमका जो डिफेंडर थे वो ज़्यादा थे और बेस्ट हमारे कम थे। और इसके वो सब एनालिसिस करके हमने कंक्लूजन निकाला कि अभी इसको वीड हमको बहुत कम मिला क्योंकि क्रॉप का ड्यूरेशन जो है ऑलरेडी वो ज़्यादा हो गया और वैसे भी वीड हमको नहीं मिला ज़्यादा। और उसमें हमको साइज का जो मॉइस्चर था वो जो वापसा कंडीशन बोलते हैं ना वो लेट वापसा जो गोलाबा जो है नीचे जाता वो कंडीशन मिली हमको। और क्रॉप का एपीरेंस था हेल्दी था और क्रॉप जो स्टेज वेजिटेटिव थी और उसमें थोड़ा सा 5 to 10% हमको पॉट्स मिले जो अभी लेटेस्ट चालू हो गए वो हमको 5 to 10% मिले। और उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस टोटल एवरेजली मिले 16 और लिप मिले 221। ऐसे हमारे एक एवरेजली क्रॉप का जो ये था चार्ट वो हमने निकाला और कंक्लूजन पे हम पहुँच गए कि हमारे जो डिफेंडर ज़्यादा होने के कारण हमको जो स्प्रे है वो करने का काम नहीं, मतलब जो क्रॉप की ड्यूरेशन और स्टेज जो ध्यान में मत के पत्ते हुए हिंदी कच्चा हमने एक सजेस्ट दिया कि अभी पॉट्स आने वाले हैं तो इसके लिए हमने 2% यूरिया का रिकमेंड किया। और उसके बाद अभी 3-4 दिन में अमावस्या आने वाले हैं तो अमावस्या आने के पहले हम क्या जो अंधेरी रात रहती ना तो जो पेट रहती है एडल रहती है वो एक लिंक करते हैं तो हमने उसको हेलमेट ट्रैप की संख्या बढ़ाने को बोली क्योंकि अभी पेट आने वाला है। तो वो क्योंकि अभी फ्लावरिंग होने के बाद हमारा जो स्टेज रहता ना एक बता मिली स्टेज अच्छा इम्पोर्टेंट रहता है इसलिए क्योंकि अगले 5 से 7 दिन का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है उसके वास्ते हमने वो रिकमेंड किया। अभी वेजिटेटिव ग्रोथ में है यस वेजिटेटिव ग्रोथ में है और फिर अपना 5% तो पॉट्स भी है जो फ्लावर के पीछे जो आता है बलि कली बोलते हैं ओनली 2% हां यस तो उसके वास्ते हमने 2% यूरिया का सजेशन किया स्प्रे इस स्प्रे में 2% यूरिया क्योंकि वो फ्लावरिंग स्टेज में नाइट्रोजन दिया था तो अच्छे अच्छी हाँ।